इंडिया वुमन वर्सेस श्रीलंका वुमन्स के बीच में जो पहला ओडीआई मैच होगा, इसका हम इस वीडियो में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखिए, जब भी ओडीआई मैच होता है, हम इसे T20 से कंपेयर नहीं कर सकते, तो बहुत कुछ नया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। आपको वीडियो के अंत तक यहाँ पे बने रहना है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इंडिया की टीम आपको थोड़ी सी मजबूत दिखाई देगी, और आपको जो स्मॉल लीग की टीम है अपनी, वो इंडिया के फेवर में ही बनानी है। तो पहले तो हम वेन्यू देख लेते हैं, मैच कहाँ पे होगा। तो ये जो मैच होगा, ये होगा पल्ली के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका पे। तो पिच जो होता है आमतौर पे इक्वल सपोर्ट करता है बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को। अगर आप देखोगे ना, बैट्समैन यहाँ पे थोड़ी से एक्स्ट्रा एडवांटेज में रहते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे एवरेज स्कोर देख लेते हैं। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर बनता है, वो बनता है 279 के आसपास। ये मेंस जो क्रिकेट होता है उसका एवरेज स्कोर है, और जो वुमेंस मैचेस होती है उसमें इतना स्कोर नहीं बनता है। आमतौर पे आपको 250 के आसपास स्कोर बनता हुआ दिखाई देगा, वो भी अगर इंडिया बैटिंग करती है पहले तो। नहीं तो श्रीलंका की टीम आपको 150 के 200 के बीच में आपको सिमटती हुई दिखाई देगी। एवरेज जो हर इनिंग में विकेट्स गिरती है, वो लगभग 8 के आसपास गिरती है। पेसर्स और स्पिनर्स में अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, तो आपको पेसर्स एक्स्ट्रा सपोर्ट में दिखाई देंगे, लेकिन वुमेंस मैचेस में उल्टा हो जाता है। यहाँ पे स्पिनर्स को भी अच्छा खासा मदद मिलती है और विकेट्स भी मिलती है। और बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पे 90% मैचेस जीती हुई है। और अगर आप यहाँ पर लास्ट 5 ओडीआई मैचेस ऑन दिस वेन्यू देखोगे, तो श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिसेंटली एक मैच हुआ था। यहाँ पर श्रीलंका ने 220 रन बनाए थे, और उसे डिफेंड भी कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी, वो 189 पे ऑल आउट हो गई थी। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग था, लेकिन श्रीलंका ने फिर भी हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। उससे पहले भी एक मैच हुआ था श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यहाँ पर भी श्रीलंका ने 300 रन बना दिए थे, ऑस्ट्रेलिया उसे चेज डाउन नहीं कर पाई थी। तो दोनों की दोनों मैचेस श्रीलंका की टीम यहाँ पे जीती हुई है। यहाँ पर बैट्समैन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट था। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं बैटिंग ऑर्डर क्या होगा इंडियन वुमन और श्रीलंकन वुमन टीम का। तो देखिए, यहाँ पर श्रीलंका वुमेंस टीम की तरफ से चमारी अट्टापट्टू ओपन करेंगी हंसिनी परेरा के साथ। वनडो नाएंगी एच करुणारत्ने। अगर आप मिडल ऑर्डर देखोगे, तो उसमें एच समर विक्रमा, कविशा दिलहरी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी, ये इनका मिडल ऑर्डर हो सकता है। 5 बॉलिंग ऑप्शंस अगर आप श्रीलंका की तरफ से देख रहे हो, तो उसमें औषधि रणसिंघे, अमा कंचना, सुगंधिका कुमारी, इनोका रणवीरा, ये इनकी तरफ से बॉलिंग ऑप्शंस होंगे। कुछ और यहाँ पे चमारी अट्टापट्टू भी करके जा सकती है। तो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स अगर आप देख रहे हो, तो इसमें आपको चमारी अट्टापट्टू का नाम दिखाई देगा, एच समर विक्रमा। ये ओडीआई में इनका रिकॉर्ड हम आगे देखेंगे ही। औषधि रणसिंघे आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, और नीचे इनोका रणवीरा ने भी काफ़ी इम्प्रेस किया है बॉलिंग से, भले इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा ना हो। और अब हम यहाँ पे इंडिया की तरफ से देख लेते। देखो, यहाँ पे शफाली वर्मा ओपन करेंगी स्मृति मंधाना के साथ, और देखिए वन डाउन आएंगी यास्तिका भाटिया। अगर आप मिडल ऑर्डर देख रहे हो इंडिया का, उसमें हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकार, अगर ऋचा घोष खेलती तो ये भी यहाँ पे मिडल ऑर्डर में ही बैटिंग करेंगी। अगर आप बॉलिंग ऑप्शंस देख रहे हो इंडिया की तरफ से, उसमें पूजा वस्त्रकार, मेघना सिंह, राजश्री गायकवाड़, पूनम यादव, और यहाँ पे यश बहादुर भी यहाँ पे इंडिया की तरफ से बॉलिंग ऑप्शन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अगर आप देख रहे हो, तो इसमें आपको स्मृति मंधाना का नाम दिखाई देगा। शफाली वर्मा को T20 का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, तो उसमें और ODI के रिकॉर्ड में आपको काफ़ी अंतर दिखाई देगा। तो ODI में इतनी अच्छी पिक आपके लिए नहीं होंगी। अगर आप मिडल ऑर्डर में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देखोगे, हरमनप्रीत कौर इंपॉर्टेंट है, दीप्ति शर्मा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और नीचे अगर आप बॉलिंग से देख रहे हो, अगर पूनम यादव खेलती है तो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, राजश्री गायकवाड़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। दोनों की दोनों विकेट टेकिंग बॉलर्स मानी जाती है इंडिया की तरफ से। बाकी पूजा वस्त्रकार को आपको आपके टीम में रखना ही रखना है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देख लिए, प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख लिया। अब हम यहाँ पे वन बाय वन हर एक प्लेयर को देखते, कस्टम टीम बिल्डर के ऊपर अब हम चलेंगे। देखो, यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो प्लेयर को देखना है आपको, उसके बाद एक लॉक का ऑप्शन होता है, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्सक्लूड का मिलता है। और आप अगर ग्रैंड लीग की टीम्स बना रहे हो, तो यहाँ पर आओ आप ग्रैंड लीग की टीम्स बनाने के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे वन बाय वन हर एक प्लेयर को देखते। चमारी अट्टापट्टू लास्ट अगर आप देखोगे ना इनका रिसेंट फॉर्म, तो सिर्फ 2 मैचेस में इन्होंने अच्छा परफॉर्म कर रखा है, उससे पहले फ्लॉप गई थी। और बैटिंग फर्स्ट में खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। 125 फैंटेसी पॉइंट्स का इनका एवरेज बैटिंग फर्स्ट में। इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड देखोगे तो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा, लगातार इन्होंने 100 के प्लस फैंटेसी पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं।
तो रिसेंटली दो मैचेस काफ़ी अच्छी गई है, कैप्टनसी के लिए भी आपके लिए बेहतरीन पिक होंगी, एक अच्छी ऑलराउंडर ऑप्शन ये मानी जाती है। और ओडीआई का हम इनका रिकॉर्ड देख लेते, 47 का एवरेज है, 89 का स्ट्राइक रेट है, 3 मैचेस में इन्होंने 2 विकेट्स भी निकाल के रखी है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पिक आपके लिए, हमने इन्हें लॉक कर लिया अपनी टीम में, स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड हम देखते, ये लास्ट 10 मैचेस में से 6 बार ड्रीम टीम में रह चुकी है, बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड दोनों रिकॉर्ड आपको काफ़ी इंप्रेसिव लगेंगे। अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखोगे तो वो भी आपको ठीक ठाक दिखाई देगा। और श्रीलंका के खिलाफ हम इनका रिकॉर्ड देखते, श्रीलंका के खिलाफ भी इन्होंने 2 मैचेस काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रखी है 3 में से। हम इनका यहाँ पे ऑन दिस वेन्यू कोई रिकॉर्ड नहीं, बाय फॉर्मेट में ओडीआई का रिकॉर्ड देख लेते तो इनका 44 फैंटेसी पॉइंट्स का यहाँ पे आपको एवरेज मिलेगा, 80 का स्ट्राइक रेट है, तो ओडीआई में काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड रखती है स्मृति मंधाना, हमने इन्हें लॉक कर लिया है। हरमनप्रीत कौर आप इन्हें नहीं छोड़ सकते, लास्ट 10 मैचेस में से 7 बार ड्रीम टीम में रह चुकी है। अगर बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों रिकॉर्ड्स देखोगे तो आपको दोनों के दोनों रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। रिसेंट फॉर्म में भी अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी अच्छा है इनका रिसेंट फॉर्म, और जो T20 मैचेस हुई रिसेंटली उसमें भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रखा है। श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं दिखाई देगा आपको ODI में, और हम इनका बाय फॉर्मेट में ODI का रिकॉर्ड देखते हैं। देखो 39 का एवरेज इनका, 87 का स्ट्राइक रेट है, और इन्होंने 13 मैचेज में 3 विकेट्स भी निकाल के रखी है। इतनी विकेट टेकिंग बॉलर ही नहीं मानी जाती खास करके ODI फॉर्मेट में, लेकिन बैटिंग से एवरेज अच्छा है, तो हमारी टीम में रहेंगी हरमनप्रीत कौर। कविशा दिलहरी का रिकॉर्ड देख लेते, देखो लास्ट 10 मैचेस में से ये 3 बार ड्रीम टीम में रह चुकी है, रिसेंटली अगर आप 4 मैचेस देखोगे तो 4 मैचेस में इन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रखा है। बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड देखो, बैटिंग सेकंड का रिकॉर्ड देखो, आपको काफ़ी अच्छा ये दिखाई देगा। अगर हम इनका यहाँ पे इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड देखते तो आपको काफ़ी एवरेज दिखाई देगा, ऑन दिस वेन्यू कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम इनका ODI का रिकॉर्ड देखेंगे तो इसमें इनका यहाँ पे जो एवरेज है ना वो 36 का है, तो अच्छा एवरेज रखती है, 3 मैचेस में 2 विकेट्स भी इन्होंने निकाल के रखी है। तो बैटिंग प्लस बॉलिंग अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो कविशा दिलहरी आपकी टीम में एक अच्छी पिक हो जाती है। राजश्री गायकवाड़ अगर खेलती है तो एक विकेट टेकिंग बॉलर है, T20 में भी इन्होंने पहले ही मैच में पूरे ओवर्स नहीं करे, उसके बाद दोनों मैचेज में नहीं खेली, तो थोड़ा सा इंजरी इशू लग रहा है, तो खेलते तो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। हम इनका रिकॉर्ड देख लेते, फिर भी देखो लास्ट 10 मैचेस में से 7 बार ये ड्रीम टीम में रह रही है, रह चुकी है। अगर आप इनका यहाँ पे ODI का रिकॉर्ड देखोगे तो उसमें कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देगी, अगर आप इस मैच को छोड़ दो तो। बैटिंग फर्स्ट यहाँ पे इनका 66 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, बैटिंग सेकंड 73 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है। अगर आप इनका श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा आपको दिखाई देगा, ऑन दिस वेन्यू कोई रिकॉर्ड नहीं। बाय फॉर्मेट में ODI का रिकॉर्ड हम देख लेते तो देखो यहाँ पर इन्होंने 13 मैचेस में 23 विकेट निकाल के रखी है। हमारी टीम में तो ये होंगी अगर खेलती है तो, अगर नहीं खेलती है तो आप इन्हें अपने टीम से रिमूव कर देना, राजश्री गायकवाड़ को। पूजा वस्त्रकार एक विकेट टेकिंग बॉलर है, डेथ में भी बॉलिंग करा के जाती है, प्लस बैटिंग से भी अच्छी खासी हिटिंग कर लेती है, लास्ट 10 मैचेस में से 5 बार ही ड्रीम टीम में रह चुकी है। बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों रिकॉर्ड आपको अच्छे अच्छे दिखाई देंगे। अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखोगे तो वो भी आपको अच्छा दिखाई देगा। श्रीलंका वुमेंस के खिलाफ कोई रिकॉर्ड नहीं, बाय फॉर्मेट में हम इनका ODI का रिकॉर्ड देख लेते तो देखो बैटिंग से 17 फैंटेसी पॉइंट्स का इनका एवरेज है, यानी 17 रन आपको एवरेज बना के देती है हर मैच में, और 12 मैचेस में 15 विकेट्स भी निकाल के रखी है। ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टनसी भी दे सकते हो, कभी कभी बंडल्स में भी विकेट्स निकाल के जाती है। हम चलते हैं अब अगले प्लेयर की तरफ, उषादी रणशिंगे। देखो एक कमे वो अच्छी बॉलर है श्रीलंका की तरफ से, जो अच्छा रिकॉर्ड रखती है T20 में भी, हमने हर एक मैच में इन्हें कवर किया था अपने टीम में। देखो यार बैटिंग फर्स्ट यहाँ पे 55 फैंटेसी पॉइंट्स आपको एवरेज देखी जाती है, बैटिंग सेकंड में 32 फैंटेसी पॉइंट्स एवरेज देखी जाती है, बैटिंग फर्स्ट में थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देगी इनमें। अगर आप ऑन दिस वेन्यू देख रहे हो तो बाय फॉर्मेट में हम चलेंगे इनका ODI का रिकॉर्ड देखते तो इन्होंने 3 मैचेस में यहाँ पे 4 विकेट्स निकाल के रखी है, फिर भी हम अपनी टीम में इन्हें ट्राई करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्लेयर की तरफ, इनुका रणवीरा। रिकॉर्ड कुछ खास नहीं दिखाई देगा, लेकिन इन्होंने जो T20 में विकेट टेकिंग मतलब परफॉर्मेंस किया है उसके बेसिस पे आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। देखो लास्ट 10 मैचेस में से सिर्फ 2 मैचेस ये ड्रीम टीम में रही है, बैटिंग फर्स्ट यानी मतलब जब भी सेकंड इनिंग में बॉलिंग करती तो इंपॉर्टेंट रहेंगी, और इनका जो परफॉर्मेंस आता है वो मतलब रह के आता है, यानी हर मैच में आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके नहीं देंगी। इंडिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड काफ़ी एवरेज दिखाई देगा आपको, लगभग 1 विकेट के आसपास से निकाल की जाती है। ODI में अगर आप देखोगे तो 3 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट इन्होंने निकाल के रखा है, 26 ओवर्स में 1 विकेट, यानी एक परफॉर्मेंस इतना जस्टिफाइंग नहीं लगता, फिर भी रिसेंट फॉर्म को देखते हुए आप इन्हें अपने टीम में ले सकते हो।
दीप्ति शर्मा एक विकेट टेकिंग बॉलर है, अगर बैटिंग आती तो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करके देती है। देखो इनका बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों रिकॉर्ड अच्छे हैं, रिसेंट फॉर्म भी आपको ठीक ठाक दिखाई देगा। अगर इनको बैटिंग का चांस मिलता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, और वो कब मिलेगा अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है तो। इनका श्रीलंका के खिलाफ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। बाय फॉर्मेट में चले तो इनका ओडीआई का रिकॉर्ड हम देखेंगे, 19 का एवरेज है, 19 रन ये आपको हर मैच में बना के देती है एवरेज। और अगर आप देखो कि 12 मैचेस में इन्होंने 14 विकेट्स निकाल के रखी है, तो यहाँ पे हम तो मेन तो इनको बॉलिंग से ही अपने टीम में लेंगे और बैटिंग से भी थोड़ा बहुत ही करके जाएंगे। शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड अगर आप देख रहे हो ओडीआई में तो आपको काफ़ी ख़राब दिखाई देगा। हालांकि इन्होंने जो लास्ट 2 मैचेस थे उसमें अच्छा खासा परफॉर्म कर रखा है, उससे पहले तो वो भी नहीं था। हम इनका यहाँ पे श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड देखते हैं, अवेलेबल नहीं है। बाय फॉर्मेट में चलेंगे, ओडीआई का रिकॉर्ड देखेंगे तो इनका यहाँ पे 18 रन का एवरेज है सिर्फ, और अगर बॉलिंग से देखोगे तो बॉलिंग भी ये नहीं कर रही है, तो आपके लिए एक एवरेज पिक हो जाती है। अब हम यहाँ पे अगले प्लेयर की तरफ चलते, उसमें एच समर विक्रमा का नाम आपको दिखाई देगा। देखो लास्ट 10 मैचेस में से आप देख सकते हो हर मैच में इन्होंने परफॉर्म कर रखा है, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों की दोनों रिकॉर्ड्स आपको काफ़ी बढ़िया दिखाई देंगे। अगर आप इनका इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड देखोगे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इनका ओडीआई रिकॉर्ड ज़रूर देखेंगे। देखो 58 रन्स का इनका एवरेज है यहाँ पर एच समर विक्रमा का, और ज़्यादातर लोग इन्हें नहीं लेंगे अपने टीम में, लेकिन आपको अपने टीम में इन्हें लेना है। आपको 4 मेंबर की जो लीग होती है उसमें भी एक एज मिल सकता है एच समर विक्रमा की वजह से। अब हम चलते हैं अगले प्लेयर की तरफ, यास्सिका भाटिया। देखो यार इनका ओडीआई में रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म करके देती है आपको, खास करके बैटिंग फर्स्ट में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप अगर इनका रिसेंट फॉर्म देख रहे हो तो वो भी आपको ठीक ठाक दिखाई देगा। हम इनका यहाँ पे श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड देखते हैं, अवेलेबल नहीं। बाय फॉर्मेट में हम इनका यहाँ पे ओडीआई का रिकॉर्ड देखेंगे तो इसमें 30 का एवरेज इनका 2022 में अच्छा एवरेज है, 2021 में 42 का एवरेज था। तो चलो तानिया नहीं, यास्सिका भाटिया हमारी टीम में रहेंगी। और अगर आप यहाँ पे यस मेघना का रिकॉर्ड देख रहे हो तो लास्ट 10 मैचेस में से 6 बार ड्रीम टीम में रह चुकी है। इनकी जो परफॉर्मेंस आई है ये डोमेस्टिक लेवल पे आई है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा करे। देखते हैं हम इनका ओडीआई का रिकॉर्ड, देखो 38 का एवरेज है 2022 में, तो एवरेज काफ़ी अच्छा दिखाई देगा आपको। आप चाहे तो ले सकते हो इन्हें, सब भी नहीं, खास करके अगर चेजिंग में बैटिंग आती है तो आपके टीम में ही होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये टॉप ऑर्डर में आपको बैटिंग भी करके देंगी। तो हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देख लिए हैं, यहाँ पे हरलीन देओल का भी रिकॉर्ड देखना बनता है। देखो लास्ट अगर आप देखोगे ना तो तीनों के तीनों मैचेस काफ़ी अच्छे गए इनके, और अगर आप इनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे बाय फॉर्मेट में ओडीआई का तो आपको 60 का एवरेज मिलेगा, तो एवरेज काफ़ी अच्छा है हरलीन देओल का, और 3 मैचेस में इन्होंने एक विकेट भी निकाल के रखी है। तो हरलीन देओल हमारी टीम में होंगी अगर ये खेलती है तो, नहीं खेलती तो हम इन्हें रिमूव कर देंगे अपनी टीम से। फिलहाल हम यहाँ पे अपनी ग्रैंड लीग की टीम बना लेते हैं, तो ये हमारा ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन है। अब हम चलते हैं स्मॉल लीग की कॉम्बिनेशन की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस वीडियो का। तो देखिए विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास 2 ऑप्शन है, अनुष्का संजीवनी और यास्तिका भाटिया। तो यहाँ पर यास्तिका भाटिया एज ए ओडीआई आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अगर आप बैटिंग सेक्शन में देख रहे हो तो यहाँ पर स्मृति मंधना, यस मेघना और नीलाक्षी डी सिल्वा हमारे टीम में रहेंगी, और एच समर विक्रमा को भी हम अपने टीम में ट्राई करेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, चमारी अट्टापट्टू और पूजा वस्त्रकारी 4 मस्ट पिक होंगे आपके लिए, आप इन्हें नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर हम नीलाक्षी डी सिल्वा को छोड़ देते हैं पहले, उसके बाद हम यहाँ पे लेते पूजा वस्त्रकार को। तो यहाँ पे 4 ऑलराउंडर हमने ले लिए अपनी टीम में। और देखिए यहाँ पे अगर आप बॉलिंग में देख रहे हो तो इनोका रणवीरा, औषधि रणसिंघे और पूनम यादव हमारी टीम में रहेंगी। हम टीम को यहाँ पे सेव कर लेते हैं, तो ये हमारी टीम यहाँ पे सेव हो चुकी है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी अगर आप देना चाहो तो चमारी अट्टापट्टू आपके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन होंगी। वाइस कैप्टनसी हम यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के साथ जा रहे हैं, आप चाहे तो दीप्ति शर्मा को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। स्मृति मंधाना भी आपके लिए बड़ी ऑप्शन होंगी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। और अगर राजश्री गायकवाड़ इस मैच में खेलती है तो आप इन्हें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। पूनम यादव भी एक विकेट टेकिंग बॉलर मानी जाती है। तो चलिए हम यहाँ पे टीम को सेव कर लेते हैं। ये जो टीम है ये हमारी फाइनल टीम नहीं रहेगी, फाइनल टीम आपको परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे मिलेगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। इसे अभी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। देखो जो बड़ी मैचेस है उनके रिकॉर्ड्स आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, लेकिन जो छोटी T10 की मैचेस होती है या फिर डोमेस्टिक मैचेस होती है वहाँ
का जो रिकॉर्ड होता है वो सिर्फ आपको परफेक्ट लाइनअप पे मिलता है। तो आपको इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, आपको एक एज भी मिलेगा अपने ओपोनेंट के ऊपर इससे, और आप आसानी से जीत भी पाओगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आपको अभी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।